हेलो हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करता हूँ आपका फेब्रुअरी मॉक ड्रिल 2 में। फेब्रुअरी 4 को यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑन यमुना रिवर। टोटल कॉस्ट ऑफ लखवार पावर प्रोजेक्ट है 5,747 करोड़। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन 6 स्टेट्स, इट विल ऑल्सो गेट इरीगेशन एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। यानी कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली को इरिगेशन के साथ साथ प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा। इसकी कंस्ट्रक्शन से 330 मीटर क्यूसेक मीटर ऑफ एडिशनल वाटर प्रोवाइड होगा। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑन यमुना रिवर। कॉस्ट है 5,747 करोड़, 6 स्टेट्स को मिलेगा। प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी है महाराष्ट्र। फेब्रवरी 4 को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अप्रूवल ले लिया है एविएशन रेगुलेटर DGCA से कि वो फ्लाइट कर सकती है ड्रोन्स और कैप्चर कर सकती है इमेज ऑफ राइस एंड व्हील फील्ड्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। ये इसलिए लिया गया है ताकि क्रॉप यील्ड्स एट ग्राम पंचायत लेवल अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर ये मेजर कर सकें, एसेस कर सकें। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV फर्स्ट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड लार्ज पायलट स्टडी है जिससे कि क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन का पता लग सकेगा, राइट। सो आप ये देख सकते हैं, हेडक्वार्टर DGCA की न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल एंड DGC हैं अरुण कुमार। फेब्रवरी 4 को PM नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द हिस्टोरिक चौरी चौरा इंसिडेंट। ये एक लैंडमार्क इंसिडेंट था कंट्री की फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में। मिस्टर मोदी ने ऑल्सो रिलीज किया एक पोस्टेज स्टैम्प, ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेनरी सेलिब्रेशन। फेब्रवरी 4 को बिलियनर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोर्स किया है वर्ल्ड का पहला कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम द US। ये नेट जीरो कार्बन कंपनी बन जाएगी बाय 2035। ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स OLCV ये डिवीजन है US ऑयल मेजर ऑक्सीडेंटल की, जिसने 2 मिलियन बैरल ऑफ कंसाइनमेंट परमियन बेसिन टू रिलायंस दिया है, राइट। तो वर्ल्ड का फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम द US लिया है इन्होंने। रिलायंस इंडस्ट्री बन जाएगी नेट जीरो कार्बन कंपनी बाय 2035। हेडक्वार्टर रिलायंस के मुंबई महाराष्ट्र में है, चेयरमैन मुकेश अंबानी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स सिंगल लोकेशन पे जो है वो रिलायंस की है, जामनगर गुजरात में। आगे चलते हैं। फेब्रवरी 6 को गवर्नमेंट ने बजट 2021 में अनाउंस किया है कि 1,000 मोर मंडी आएंगी जो कि इंटेग्रेट हो जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ 2021-22 तक। इससे स्ट्रेंथन होंगी होलसेल मार्केट्स। करेंटली अभी 1,000 मंडीज हैं जो इंटीग्रेटेड है ईनैम के साथ इन 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी सो फार विद 1.69 फार्मर्स रजिस्टर्ड ऑन इट। तो 1,000 मोर मंडी आएंगी जो इंटीग्रेट हो जाएंगी ईनैम के साथ 2021-22 में। ईनैम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। फेब्रवरी 6 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया इवेंट मार्किंग द डायमंड जुबली ऑफ द गुजरात हाईकोर्ट। उन्होंने रिलीज किया है कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जिससे मार्क हुई है कंप्लीशन ऑफ द 60 ईयर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाईकोर्ट। सो आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया इवेंट जिससे डायमंड जुबली मनाई गई है गुजरात हाईकोर्ट की 60 ईयर्स। चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट हैं विक्रम नाथ। फेब्रवरी 6 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने कंप्लीटली पेपरलेस जाने का फैसला किया है। ये फर्स्ट ई कैबिनेट हुई है एट शिमला में। 2014 के अंदर हिमाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली भी कंप्लीटली डिजिटल चली गई है। तो आप ये देख सकते हैं गवर्नर हिमाचल के हैं बंदारू दत्तात्रेय। कैपिटल्स हमारी जो हैं हिमाचल की वो हैं शिमला समर और धर्मशाला विंटर। CM है जयराम ठाकुर। फेब्रवरी 6 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किए हैं डाटा एनालिटिक्स ड्रिवन MCA 2.1 वर्जन 3.0 ड्यूरिंग फिस्कल 2021-22। ये सिस्टम फर्स्ट मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। की कंपोनेंट ऑफ MCA 2.11 आर स्क्रूटिनी, ई एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड MCA लैब। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किए हैं डाटा एनालिटिक्स ड्रिवन MCA 2.1 वर्जन 3.0। ये आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका। कैलिफोर्निया बेस्ड पेपाल होल्डिंग इंक ने कहा है कि वो डोमेस्टिक पेमेंट बिजनेस ऑफ इंडिया फ्रॉम April 1 को कम करेंगी। पेपाल ने कहा है कि वो इससे ज़्यादा फोकस करेंगी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पे। CEO डैनियल शुलमैन है, हेडक्वार्टर पेपाल के कैलिफोर्निया US में। अगर आपको याद हो तो इनकी जो ऑथर है इनकी एक फेमस बुक है, अगर किसी ने स्टार्टअप्स के बारे में सोचना है तो पीटर थेल की बुक आती है फ्रॉम ज़ीरो टू वन, ये बुक का नाम है। वेरी वेरी नाइस बुक। तो पेपॉल को उन्होंने स्टार्ट किया था, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर पोस्टपोन हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक। ये जुलाई के अंदर सेंट्रल पार्क इन सॉल्ट लेक होगा। सॉल्ट लेक जो है वो कोलकाता का बहुत पॉश और न्यूली डेवलप्ड एरिया है। इस साल की फोकल थीम कंट्री की है बांग्ला विल बी बांग्लादेश एज 2021 मार्क्स द बर्थ सेंटिनरी ऑफ बागाबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ये एक 12 दिन का बुक फेयर है। फोकल थीम कंट्री है बांग्लादेश, पीएम है शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, ढाका कैपिटल है, टका करेंसी है। फरवरी 5 को आईएमडी ने एस्टैब्लिश किया है इंडिया का पहला थंडर स्टॉम रिसर्च टेस्ट बेड इन ओडिशा बालासोर। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द थंडर स्टॉम टेस्ट बेड है कि मिनिमाइज हो सके ह्यूमन फैटिलिटीज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। 350 से ज़्यादा लोग किल हो जाते हैं ऑन एन एवरेज इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन ओडिशा एवरी ईयर। तो आईएमडी जो है वो एस्टैब्लिश करेगा इंडिया का पहला थंडर स्टॉम रिसर्च टेस्ट बेड इन बालासोर ओडिशा। हेडक्वार्टर आईएमडी के न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। फरवरी 5 को गुजरात स्टेट लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद टाटा ग्रुप डिसीजन लिया है सेटअप करने का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एट नामसेड विलेज इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑन अ नॉट फॉर प्रॉफिट पीपीपी मॉडल। पीपीपी का मतलब आप सब जानते हैं, इसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अपार्ट फ्रॉम गुजरात यूनियन गवर्नमेंट ने ऑल्सो अप्रूव किए हैं आईएसएस इन मुंबई एंड कानपुर। तो गुजरात और टाटा ग्रुप ला रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एंड नामसेड विलेज इन गांधीनगर गुजरात। चेयरमैन है एन चंद्रशेखर, हेडक्वार्टर टाटा ग्रुप के मुंबई महाराष्ट्र में है। सीएम विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, कैपिटल है गांधीनगर। नीति आयोग ने रिलीज किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट, जिससे लेवरेज हो सकेगी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और नेचुरल फीचर ऑफ द आइलैंड। प्रपोजल पाइवेटेड है अलॉन्ग 3 डेवलपमेंट एंकर्स एंड जोन्स। प्रपोजल जो है 3 एंकर्स और जोन्स के अंदर डाइवेस्टेड है, पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ब्रांच्ड आउट है, ठीक है। तो नीति आयोग ने रिलीज किया है। नीति आयोग के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीईओ अमिताभ कांत हैं, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं। फरवरी 8 को 5 डे नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 ऑर्गेनाइज हुआ बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च और इन्होंने इंस्टीट्यूट के हैसरगेटा कैंपस ऑन द आउटस्कर्ट के अंदर ये फेयर स्टार्ट किया बेंगलुरु सिटी के अंदर। फेयर हेल्ड हुआ अंडर द थीम फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया and this aims to increase farmers income by turning horticulture into a business enterprise. So horticulture एक business enterprise कैसे बन सकता है उसके ऊपर ये पूरा focus है। कर्नाटक की capital बैंगलोर है, CM BS येडियुरप्पा हैं, गवर्नर वाजुभाई वाला है। फरवरी 8 को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया क्रिएशन ऑफ श्री विपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि 5वां टाइगर रिजर्व है इन द स्टेट। एरिया 101,657 हेक्टेयर या 1,16,517 स्क्वायर किलोमीटर इन श्री विली पुथुर ग्रिजल्ड गाइन स्क्वायरल सेंचुरी एंड मेगामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंबाइन करकर ये टाइगर रिजर्व बनाएंगे। तो श्री विली पुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व 5th इन द स्टेट बना है टाइगर तमिलनाडु के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं स्क्वायरल सेंचुरी, मेगामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके साथ बना है ये पूरा टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, सीएम थिरु एड़ापट्टी के पलनीस्वामी है, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है। फरवरी 8 को मणिपुर ने लॉन्च किया न्यू रेंज ऑफ पैकेज्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड लाउमी कनेक्ट ऐप एज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बोलेरो कैंपर व्हीकल्स एंड नर्सरीज टू 7 फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज। चीफ मिनिस्टर ने ऑल्सो रिलीज किया इलस्ट्रेटिव गाइडबुक ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मणिपुर ने ये लॉन्च किया है। मणिपुर ने ऑल्सो लॉन्च की है बुक मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, सीएम एन बीरेन सिंह है, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। फरवरी 5 को दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, जिसमें ₹5,000 प्रोवाइड किए जाएंगे 1,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ऑफ क्लास 9 इन स्कूल्स ऑफ दिल्ली एज साइंस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप बूस्ट करेगी साइंस एजुकेशन इन सेकेंडरी क्लासेस एट स्कूल लेवल। इस स्कीम के अंदर स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं दिल्ली स्कूल्स में, जिन्होंने 60% से ऊपर स्कूल किए हैं इन क्लास 8, आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। तो दिल्ली ने अप्रूव किया ये, ₹5,000 प्रोवाइड किए जाएंगे 1,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ऑफ क्लास 9। 60% जिन्होंने लिए हैं क्लास 8 के अंदर वो एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ सेक्रेटरी हैं विजय देव। फरवरी 7 को पीएम नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है 2 हॉस्पिटल्स का और लॉन्च किया असोम माला प्रोग्राम इन ढेकियाजुली इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट नसाम। असोम माला एम करता है इम्प्रूव करने का स्टेट हाईवेज को और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क्स को इन द स्टेट।
पीएम ने ऑल्सो डेडिकेट किया है एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इन हल्दिया वेस्ट बंगाल बिल्ट बाय भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और 348 किलोमीटर का धोबी दुर्गापुर नेशनल गैस पाइपलाइन सेक्शन टू द नेशन। तो ये आप देख सकते हैं, एम ऑफ असोम माला प्रोग्राम है टू इंप्रूव स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट नोड नेटवर्क। पीएम मोदी ने ऑल्सो डेडिकेट किया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल टू द नेशन इन हल्दिया वेस्ट बंगाल बिल्ट बाय बीपीसीएल। सो ये आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, ध्यान से आप इस पर चलिए, आगे चलते हैं। फरवरी 8 को लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया है ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट विद ओएनजीसी एनर्जी सेंटर एंड लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले, ताकि इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पूगा एक स्टेप फर्दर चल सके फॉर कार्बन न्यूट्रल लद्दाख। सो लद्दाख प्लस ओएनजीसी प्लस एलएएचडीसी ले ने एस्टैब्लिश करने का इसको फैसला किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके हैं आरके माथुर, लद्दाख की कैपिटल है ले, हेडक्वार्टर ऑफ एनजीसी न्यू दिल्ली में है, सीएमडी है शशि शंकर। फरवरी 7 को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अनाउंस किया है कि प्रेस्टीजियस आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल को रीनेम कर दिया गया है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के नाम पे। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की पंडित भीमसेन जोशी सेनेटरी यानी कि 100वीं कॉमेमोरेटिव फंक्शन ऑर्गेनाइज इन पुणे में। पंडित भीमसेन जोशी को अवार्ड किया गया था भारत रत्न इन द ईयर 2009। तो आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल को पंडित भीमसेन जोशी फेस्टिवल नाम दे दिया गया है। फरवरी 5 को एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो रेजिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल्स फंडेड अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रीनेम करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल। टोटल 1063 रेजिडेंशियल फैसिलिटीज हैव बीन सैंक्शन टू स्टेट्स एंड यूटी सो फार। तो ये आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार उत्तराखंड। फरवरी 5 को फाइनेंस मिनिस्टर ने ग्रांट किया परमिशन टू 4 स्टेट्स असम हरियाणा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ताकि वो बोरो कर सकते हैं एडिशनल 5034 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट बोरोइंग्स फॉर अंडरटेकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। सो ये आप देख सकते हैं 4 स्टेट्स को ये मिला है, हरियाणा हिमाचल पंजाब और असम, हरियाणा हिमाचल असम और पंजाब। आगे चलते हैं, फरवरी 8 को कर्नाटका ने 31वां डिस्ट्रिक्ट अपना पाया है विद स्टेट गवर्नमेंट इशूइंग ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन। इन्होंने न्यू विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बलारी को काव आउट किया है। न्यू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 तालुकाएं होंगी और होसेपेटी इसका हेडक्वार्टर होगा। तो ये आप देख सकते हैं, बेंगलोर के सीएम बीएस येडियुरप्पा हैं, गवर्नर वाजू भाई वाला है, कैपिटल इसकी बेंगलोर है। फरवरी 5 को वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने प्रेजेंट किया है स्टेट बजट लगभग 3 लाख करोड़ का फॉर द ईयर 2021-22। फ्री राशन मिलता रहेगा सबको, सब्सिडाइज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मिलती रहेगी, 62,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जंगल महल इंडस्ट्रियल टाउन एट रघुनाथपुर इन पुरुलिया हैज कम फॉरवर्ड। स्टेट ने ऑल्सो अनाउंस किया है 100 करोड़ का फार्मास्यूटिकल पार्क एट फाल्टा। तो ये आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, सीएम ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, 100 एकड़ का फार्मास्यूटिकल पार्क एट फाल्टा और 62,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एट जंगल महल इंडस्ट्रियल टाउन एट रघुनाथपुर इन पुरुलिया। फरवरी 8 को अकॉर्डिंग टू केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री टोटल मार्केट साइज ऑफ इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी $130 बिलियन। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री इन इंडिया पोटेंशियल से ग्रो कर रही है 28% पर एनम और ये रीच कर जाएगी $50 बिलियन तक। इंडिया 200 से ज्यादा कंट्रीज को फार्मा प्रोडक्ट्स के साथ सर्व करता है। तो ये आप देख सकते हैं, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच $130 बिलियन बाय 2030। ये आप यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर डी वी सवानंदा गौड़ा जो है ये मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है बैंगलोर कर्नाटक। फरवरी 8 को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने हैंड ओवर किया है कैश रिवॉर्ड ऑफ ₹10 लाख टू पायोई विलेज अंडर उखरूल डिस्ट्रिक्ट इन एन एप्रिसिएशन फॉर स्टेप्स टेकन टू डिस्ट्रॉय पॉपी प्लांटेशन। पेही जो है इसे प्रमोट किया जाएगा एज अ रोल मॉडल फॉर अदर विलेजेस इन वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन। तो एन बीरेन सिंह ने हैंड ओवर किया है कैश रिवॉर्ड ऑफ ₹10 लाख टू पेह पायोई विलेज इन उखरूल मणिपुर। वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन ऑफ मणिपुर है ये, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, सीएम एन बीरेन सिंह है, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें अगर तो फरवरी 5 को $43 बिलियन साइन हुई थी बिटवीन वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया प्लान करना चाहता है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी ले बाय द ईयर 2050 विद मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 8.2 गीगावाट। ये 7 टाइम बिगर होगा वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म से। तो $43 बिलियन डील साइन की गई है टू बिल्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इन साउथ कोरिया, मैक्सिमम कैपेसिटी 8.2 गीगावाट। तो ये 2050 तक साइन होने की पूरी उम्मीद है। प्रेसिडेंट मून जे इन है, सियोल कैपिटल है, कोरियन साउथ रिपब्लिक वॉन इसकी करेंसी है। फरवरी 4 को डेनमार्क ने अप्रूव किया है प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी दैट विल प्रोड्यूस एंड स्टोर इनफ ग्रीन एनर्जी। एनर्जी आइलैंड जो है वो कॉस्ट करेगा अराउंड 20
210 बिलियन डेनिश क्राउन्स यानी कि डॉलर 33.9 बिलियन। तो ये आप देख सकते हैं पहला वर्ल्ड का एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी। डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन है, करेंसी डेनिश क्रोन है, पीएम है मेटे फ्रेडरिकसन। गूगल ने लॉन्च किया न्यू इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप स्कूल फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स एंड देयर टीम्स अक्रॉस द एशिया पैसिफिक। स्टार्टअप स्कूल जो है एक वर्चुअल प्रोग्राम है जिसके अंदर सीरीज ऑफ फ्री हैंड ऑन वर्चुअल कोर्सेज फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स एंड देयर टीम्स प्रोवाइड होंगे। तो ये आप देख सकते हैं गूगल ने स्टार्ट किया स्टार्टअप स्कूल फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स एंड देयर टीम अक्रॉस एशिया पैसिफिक। हेडक्वार्टर गूगल के हैं कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट इंक इनकॉर्पोरेटेड, आई गेस ये नंबर होगा, अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। फरवरी 4 को स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल ने हेल्ड किया मीटन मीटिंग और अप्रूव किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। स्काओ जो है न्यू गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेट की गई है रेडियो एस्ट्रोनॉमी को और हेडक्वार्टर है इन द यूके। कंप्लीशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक नियरली अ डिकेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1.8 बिलियन। तो ये आप देख सकते हैं लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है लोकेटेड इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, यूके में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। फरवरी 6 को नेपाल और इंडिया ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है न्यूली कंस्ट्रक्टेड 108 किलोमीटर रोड जो कनेक्ट करता है इंडियन बॉर्डर को विद सर्वर एरियाज ऑफ द हिमालयन नेशन। ये इंडियन ग्रांट असिस्टेंस ऑफ ₹44.48 मिलियन के साथ मिला है और ये ब्लैक टॉप्ड रोड है फ्रॉम इंडियन बॉर्डर लक्ष्मीपुर बलारा टू गधिया डिस्ट्रिक्ट इन गधिया इन सरलाही डिस्ट्रिक्ट नेपाल। इसे इनॉग्रेट किया है जॉइंटली बाय नीतीश कुमार जी द्वारा, इंडिया ने इसके लिए असिस्टेंस दी है। कंसल जनरल ऑफ द कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया है नीतीश कुमार जी। तो ये आप देख सकते हैं नीतीश कुमार, नॉट द नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, नेपाली रुपीज इसकी करेंसी है, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। फरवरी 5 को आईसीआईसीआई बैंक ने साइन किया एमओयू विद एमयूएफजी बैंक जापान फॉर कोलैबोरेशन टुवर्ड्स केटरिंग टू द बैंकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ जापानीज कॉर्पोरेट्स प्रेजेंट इन इंडिया। ये आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक प्लस एमयूएफजी बैंक जापान फॉर एमओयू फॉर कोलैबोरेटिंग टुवर्ड्स केटरिंग टू द बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स। हेडक्वार्टर आईसीआईसीआई बैंक की मुंबई में है, एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी है, टैगलाइन है हम है ना। फरवरी 5 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि परफॉर्मेंस को व्यू में रखते हुए 2013 से 14 टू 2020 से 21 16.50 लाख करोड़ ग्राउंड लेवल क्रेडिट के लिए फिक्स किया गया है 2021 से 22 तक। ये 10% हायर है कंपेयर टू द टारगेट फॉर द ईयर 2020-21 जो कि फिक्स था 15.0 लाख करोड़ का। तो हायर टारगेट दिया गया है ग्राउंड लेवल क्रेडिट का। फरवरी 5 को इन अ मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो गिल्ट या जीसेक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के साथ। ये डीपन करेगा बॉन्ड मार्केट्स इन इंडिया को, प्लेटफॉर्म को बोला जाएगा रिटेल डायरेक्ट। विद दिस इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ रिटेल इन्वेस्टर्स टू डायरेक्टली असेस द जीसेक्स मार्केट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, लेट्स रिपीट, आरबीआई ने अलाउ किया रिटेल इन्वेस्टर्स को टू ओपन गिल्ट और जीसेक अकाउंट्स विद इट ऑन इट्स रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। इंडिया पहली कंट्री बना है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये अलाउ करता है असेस द जीसेक्स मार्केट। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई मुंबई में है, गवर्नर शक्तिकांता दास है, एस्टैब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। फरवरी 5 को आरबीआई ने एक्सटेंड किया डेडलाइन फॉर मीटिंग द लास्ट ट्रंच ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर बाय अनदर 6 मंथ्स टिल अक्टूबर 2021 क्योंकि स्ट्रेस पड़ रहा है COVID-19 पेंडेमिक के कारण। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लास्ट ट्रंच ऑफ द कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऑफ 0.62% है, ये शेड्यूल होना था 1 अप्रैल 2020 से बट डेफर कर दिया गया था 1 अप्रैल 2021 तक। सो ये आप देख सकते हैं सीसीबी का मतलब है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, तो इसे डेफर किया गया था 6 मंथ्स तक डेफर किया गया है 1 अक्टूबर 2021 तक। फरवरी 5 को आरबीआई ने रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो रेट्स थे वो एक रिकॉर्ड लो लेवल्स पर रखे थे। तो आरबीआई की लैंडिंग रेट था 4% और रिवर्स रेपो रेट और बोरिंग रेट वॉज 3.35%। तो आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया जीडीपी ग्रोथ टू बी 10.5% फॉर द ईयर 2021-2022 और आरबीआई ने कहा है कि वो कंस्टिट्यूट करेंगे एक्सपर्ट कमेटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबीज के लिए। तो ये आप देख सकते हैं फरवरी 5 को डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे ने पार्टनर किया एक्सिस बैंक के साथ ऑन अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल। पार्टनरशिप प्रोवाइड करेगी फोन पे यूजर्स को विद एन ऑपरेशन टू क्रिएट एंड यूज मल्टीपल यूपीआई आईडीज विद एक्सिस बैंक एट द रेट AXL हैंडल। तो ये आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर फोन पे के बैंगलोर कर्नाटका में है, एमडी एंड सीईओ समीर निगम है, हेडक्वार्टर एक्सिस बैंक के मुंबई में है, एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी।
फरवरी 8 को आरबीआई ने रिलीज किया एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर द रिजर्व बैंक फॉर द ईयर 2019-20। ये कवर करती है पीरियड ऑफ जुलाई 2019 टू 20 तक का। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो फर्स्ट नोटिफाई की गई थी आरबीआई द्वारा इन 1995 अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओम्बड्समैन ने डिस्पोज किए 48,333 कंप्लेंट्स अगेंस्ट एसबीआई, फॉलोड बाय 15,004 अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक एंड 11,804 अगेंस्ट आईसीआईसीआई बैंक। इन द एनबीएफसी इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वाज अगेंस्ट बजाज फाइनेंस। तो आरबीआई ने रिलीज किया एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ द रिजर्व बैंक फॉर द ईयर 2019-20। हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट रिसीव हुई है एसबीआई के अगेंस्ट, सेकंड एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट और थर्ड आईसीआईसीआई बैंक के अगेंस्ट। फरवरी 8 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एंटर किया है इनटू अ को लेंडिंग एग्रीमेंट विद पुणे बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोन टैप क्रेडिट प्रोडक्ट्स फॉर को लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन्स। लोन टैप ऑफर करता है रेंज ऑफ बिजनेस व्हीकल एंड पर्सनल लोन्स टू द अनडिजर्व सेगमेंट। स्टार्टिंग साइज होगा इसका 3 लाख रुपये और इन्हेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। इसके अंदर आप 80% ऑफ द लोन विल बी लेंड बाय द बैंक एंड रिमेनिंग 20% बाय लोन टैप। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और लोन टैप, राइट। तो हेडक्वार्टर बीओएम के पुणे महाराष्ट्र में, एमडी एंड सीईओ एसएएस राजीव हैं, टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। फरवरी 4 को डिफेंस पीएसयू गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर अ फास्ट पेट्रोल वेसल्स नेमली जोरोस्टर टू सिशलीज। ये फास्ट पेट्रोलिंग वेकर डिलीवर होगा सिशलीज कोस्ट गार्ड द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर जीआरआईसी के कोलकाता इंडिया में है, सीएमडी रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना है, प्रेसिडेंट वेवल रामकलवन है और सिशलीज विक्टोरिया इसकी कैपिटल है, सिशलीज रुपी इसका करेंसी है। फरवरी 6 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हैंड ओवर किए हैं 3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स MK3 टू इंडियन द नेवी एंड 2 टू द इंडियन कोस्ट गार्ड एज अ पार्ट ऑफ 16 ALH कॉन्ट्रैक्ट। तो HAL को रिकॉग्नाइज किया गया रोल्स रॉयस द्वारा एज ऑथोराइज मेंटेन सेंटर फॉर आर्डोर MK87 इंजन फॉर इट्स ग्लोबल कस्टमर्स। इंडियन एरो कंपोनेंट सेक्टर है वो डबल हो जाएगा 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ तक का बाय द ईयर 2024, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है। बिसाइड्स इट गवर्नमेंट का एंडेवर है कि वो डिफेंस इंपोर्ट्स को बाय एटलीस्ट $2 billion लाएं 2022 तक। टोटल 138 प्रपोजल्स वर्थ ओवर $37 billion फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हैव बीन अप्रूव्ड बिटवीन 2016 एंड 19। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको दोबारा करते हैं। हैंड ओवर किए गए हैं 3 ALH MK3 टू इंडियन नेवी एंड 2 टू द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन एरो कंपोनेंट सेक्टर इंक्रीज करेगा 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ तक बाय द ईयर 2024। गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो डिफेंस इंपोर्ट नीचे लाएगी बाय $2 billion बाय 2022। HAL ने रिकॉग्नाइज किया रॉल्स रॉयस को एज ऑथोराइज मेंटेनेंस सेंटर फॉर आर्डोर MK871 इंजन। तो ये आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर HAL के बेंगलुरु कर्नाटका में है, CEO अमिताभ भट्ट हैं, चीफ ऑफ इंडियन नेवी हैं एडमिरल करमबीर सिंह, वाइस चीफ हैं जी अशोक कुमार, हेडक्वार्टर ICG के न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल है कृष्णा स्वामी नटराजन। फरवरी 6 को मेडन कंटिजेंट ऑफ 34 CRPF वुमेन पर्सनल को इंडक्ट किया गया था स्पेशलाइज्ड जंगल वॉरफेयर कमांडो फोर्स कोबरा के अंदर, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये डिप्लॉय होगी इन द एंटी नक्सल ऑपरेशन ग्रिड ऑफ द कंट्री। कोबरा फोर्स को CRPF ने रेस किया 2009 में फॉर अंडरटेकिंग इंटेलिजेंस बेस्ड जंगल वॉरफेयर ऑपरेशन। तो 34 CRPF वुमेन पर्सनल है जिन्हें डाला गया है, ये रेस किया गया है 2019 के अंदर। यहां पर हम एक पॉज लेंगे।
लेट्स स्टार्ट इट देन. सो डायरेक्टर हैं इसके आनंद प्रकाश महेश्वरी, हेडक्वार्टर सीआरपीएफ के न्यू दिल्ली में है. फरवरी 6 को इसराइल बेस्ड रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने टीम अप किया है फॉर जॉइंट इंडक्शन ऑफ एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम कॉल्ड शेड फॉर द इंडियन नेवी. शेड फर्स्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड है जो इंप्लॉय करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल डिकॉयज. तो रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम प्लस BDL जॉइंटली इंडक्ट करेंगे एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड फॉर द इंडियन नेवी. ये आप देख सकते हैं. हेडक्वार्टर रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम के हाइफा इसराइल में है. CEO हैं योआव हरेवन. हेडक्वार्टर ऑफ BDL हैदराबाद तेलंगाना में है. CMD हैं सिद्धार्थ मिश्रा. 13th एडिशन ऑफ एरो इंडियन बेंगलुरु, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हैंड ओवर किया कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस फॉर इंडियन एयरफोर्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹48,000 करोड़. तो HAL ने रिसीव किया है कॉन्ट्रैक्ट. ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी 48,000 करोड़. हेडक्वार्टर HAL के बेंगलुरु कर्नाटका में है. CEO इसके अमिताभ भट्ट हैं. मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की है स्कीम टाइटल्ड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज फॉर क्रिटिकल पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट विद एन आउटले ऑफ ₹1,500 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2022. स्कीम इस बजट में एंटेल करेगी सेटअप ऑफ 3 मैन्युफैक्चरिंग जोन्स इन एन ईयर. तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च करेगी मैन्युफैक्चरिंग जोन्स अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज. आउटले स्कीम का ₹1,500 है. स्कीम ₹1,500 करोड़ है. स्कीम एंटेल करेगी 3 मैन्युफैक्चरिंग जोन्स इन एन ईयर. मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के चीफ हैं आर के सिंह. पहले कैबिनेट सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी होते थे. राजकुमार सिंह इनका पूरा नाम है. इनको ये इसलिए दिया गया क्योंकि एज एन IAS ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. सो ये जो न्यू मिनिस्ट्रीज हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, स्किल इंडिया का भी फिर इन्हें शायद कुछ स्टार्टअप इंडिया फंड का भी इन्हें कुछ हेड बनाया गया है. तो ये स्कीम्स इनको इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से दी गई हैं. फरवरी 7 को 7.5 लाख टी प्लांटेशन फैमिली ऑफ असम ने रिसीव किए फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अराइव्ड इन गुवाहाटी टू लॉन्च द थर्ड फेज ऑफ चाह बगीचा धान पुरस्कार मेला स्कीम. अमाउंट ऑफ ₹3,000 वॉज ट्रांसफर डायरेक्टली टू 786,667 बैंक अकाउंट होल्डर्स. तो ये थर्ड फेज चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम गुवाहाटी असम में हुआ है. आप सबको पता है असम टी जो है वो बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उसके अंदर ये लॉन्च किया गया. ₹3,000 डायरेक्टली ईच टी प्लांटेशन फैमिली को इसमें ट्रांसफर किए जाएंगे. असम की कैपिटल दिसपुर है. CM सर्बानंदा सोनोवाल हैं. गवर्नर जगदीश मुखी हैं. इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि असम में चुनाव आने वाले हैं. फरवरी 6 को इंग्लैंड स्कीपर जो रूट बिकम हो गए हैं फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन हिज 100वें टेस्ट. इन्होंने माइलस्टोन टच किया सेकेंड डे पे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंडिया इन चेन्नई. फॉर्मर पाकिस्तान स्कीपर्स इंजमाम उल हक जिन्होंने 184 रन लिए हैं अगेंस्ट इंडियन बेंगलुरु 2005, इनका पहले प्रीवियस बेस्ट स्कोर था इन द 100 टेस्ट. सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए. विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ स्कोर्ड डबल सेंचुरी इन इज 100 टेस्ट? आंसर इज जो रूट. विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज सरपास इंजमाम उल हक टू स्कोर डबल सेंचुरी इन 100 टेस्ट? अगेन आंसर इज जो रूट. तो पहले क्रिकेटर बने. फरवरी 3 को दिसंबर में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर 4 फरवरी एज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी. रेजोल्यूशन आउटकम था क्रिश्चियन मुस्लिम कॉपरेशन का टू प्रमोट पीस एंड इंटरकल्चरल डायलॉग इन द वर्ल्ड. दिस ईयर थीम वॉज अ पाथवे टू द फ्यूचर. हेडक्वार्टर UNGA के न्यूयॉर्क USA में है. प्रेजिडेंट वोल्कान बोजकीर हैं. मेंबर कंट्रीज हैं 193 जो ये UN है ये फॉर्म हुआ है 1945 में. इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व होता है फरवरी 6 को टू एजुकेट पीपल अबाउट द प्रॉब्लम फीमेल्स फेस ड्यू टू जेनिटल म्यूटिलेशन. इस टाइम की थीम है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. तो फरवरी 6 को होता है. UN इसको सेलिब्रेट करता है. मीटिंग कॉन्फ्रेंस इन समिट्स पे चलते हैं. फरवरी 5 को फर्स्ट इंडिया EU हाई लेवल डायलॉग हेल्ड हुआ है ऑन बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट वॉज हेल्ड. ये को चेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल द्वारा. तो ये देख सकते हैं आप. हेडक्वार्टर EU के हैं ब्रसल्स बेल्जियम में. प्रेजिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेन. मेंबर कंट्रीज हैं 27. फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बिटवीन इंडिया एंड किंगडम ऑफ बहरेन वॉज वर्चुअली हेल्ड ऑन फरवरी 4. इंडियन डेलीगेशन लीड किया है दिनेश दयानंद जगदाले जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा. MOU बिटवीन इंडिया एंड बहरेन साइन हुआ है जुलाई 2018 फॉर प्रमोटिंग बायलेटरल कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये फर्स्ट मीटिंग हुई है इंडियन बहरेन के बीच में.
इंडियन डेलीगेशन लीड किया गया जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ बहरीन है पीयूष श्रीवास्तव, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने को चेयर की है 8वीं एशियन इंडियन टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग, ये वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने 5 फरवरी को होस्ट की है। मीटिंग कंजंक्शन में थी विद 24th मीटिंग ऑफ द एशियन टूरिज्म मिनिस्टर्स MATM। इसके अलावा मिनिस्टर ने हाईलाइट किए हैं सम इनिशिएटिव टू रिवाइव टूरिज्म एक्टिविटीज, तो ये 8th मीटिंग है। साथ ही इसका फुल फॉर्म जो है वो है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और अ सीरीज ऑफ वेबिनार्स अंडर द थीम देखो अपना देश। इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव बिगेन विद अ कीनोट टू एड्रेस फ्रॉम रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ऑन 4 फरवरी ऑन द साइडलाइंस ऑफ एरो इंडिया 2021 बेंगलुरु में। 26 में से 28 कंट्रीज फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन ने अटेंड किए कॉन्क्लेव आइदर फिजिकली और इन वर्चुअल मोड। सम ऑफ द हाईलाइट्स मेड बाय राजनाथ सिंह ड्यूरिंग द कॉन्क्लेव आर राजनाथ सिंह एड्रेस IOR डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव ऑन 4 फरवरी। सागर, इसका पूरा मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इज द थीम फॉर इंडियन ओशन पॉलिसी एज आउटलाइन बाय PM नरेंद्र मोदी इन 2015। PM नरेंद्र मोदी का डायनेमिक है 5S विजन, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि। मोटिव बिहाइंड द 5S विजन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 20वां एडिशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी का फ्लैगशिप इवेंट हुआ है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 में और ये ऑनलाइन हुआ है 10 से 12 के बीच में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है समिट। थीम ऑफ द समिट वॉज रीडिफाइनिंग आर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल, तो ये आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर टेरी के न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय माथुर है। अवार्ड रिवॉर्ड रिकॉग्निशन एंड प्राइजेस की बात करें तो 3 फरवरी को इंडियन डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद द फायर ने वॉन किया ऑडियंस अवार्ड इन द वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी एट द संडांस फिल्म फेस्टिवल 2021। राइटिंग विद फायर इज एन इंडियन फिल्म क्रॉनिकलिंग द राइज ऑफ खबर लहरिया, इंडियाज ओनली न्यूज पेपर रन बाय दलित वुमेन। दिस डॉक्यूमेंट्री इज डायरेक्टेड बाय रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष, तो राइटिंग विद फायर है, इन्होंने ऑडियंस अवार्ड जीता है। जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी ने ऑफिशियली रिवील किया है कि UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस एंड मोरक्कन फ्रेंच एक्टिविस्ट लतीफा इब्न जैतीन आर द 2 हॉनरीज ऑफ द 2021 अवार्ड। पोप एंड द ग्रैंड इमाम ऑफ अल अजहर हैज जॉइंटली प्रेजेंटेड अवार्ड वाया वर्चुअल सेरेमनी ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑन 4 फरवरी। जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी स्पीक्स टू ऑनर द लेगेसी ऑफ द फाउंडर ऑफ द UAE एंड इंक्लूड्स अ फाइनेंशियल प्राइज ऑफ $1 million। इट वॉज क्रिएटेड इन 2019 तक, राइट 2019 को ही फेबररी को क्रिएट किया गया है। फाइनेंशियल प्राइज इसका $1 million है। UAE की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट है खालिद बिन जायद अल नहयान। 6 फरवरी को फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैपिटल स्टीव स्मिथ ने क्लेम किया है 3rd एलन बॉर्डर मेडल वाइल बेथ मूनी बैगडर मेडन बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। ये टॉप 2 अनर्स थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स के। स्मिथ को ऑनर किया गया फॉर हिज परफॉर्मेंसेज इन द ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम वाइल मूनी बैग रिकॉग्निशन इन द ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। रेस्ट ऑफ द अवार्ड्स गिवन ऐसे हैं, एलन बॉर्डर मिला है स्टीव स्मिथ को, बेलिंडा क्लार्क अवार्ड मिला है बेट मूनी को। मेन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है पैट कमिंस, ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। वुमेन्स ODI प्लेयर ऑफ द ईयर है लेचल हैंस। मेन्स ODI प्लेयर ऑफ द ईयर है स्टीव स्मिथ। फीमेल इंटरनेशनल T20 प्लेयर है बेथ मूनी। मेल इंटरनेशनल T20 प्लेयर ऑफ द ईयर है एस्टन अगर। फीमेल डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर है LC विलियन। मेल डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर है शॉन मार्श। हैना डार्लिंगटन, बेटी विल्सन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है विल सतरलैंड और कम्युनिटी इंपैक्ट अवार्ड मिलता है जोशिया लेलोर को। 3 फरवरी को 1988 बैच गुजरात IPS ऑफिसर प्रवीण सिन्हा को अपॉइंट किया गया है इंटरिम चीफ ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। इन्होंने रिप्लेस किया RK शुक्ला। मिस्टर सिन्हा अभी एडिशनल डायरेक्टर हैं CBI के, तो आप देख सकते हैं DG प्रवीण सिन्हा है। मोटो ऑफ CBI है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी। जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने अपॉइंट किए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड में लेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जीत दुबल। वेबू इज वन ऑफ द पद्मश्री अवार्डीज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021। ये करंटली बेस्ड है तेनकासी तमिलनाडु के अंदर। श्री गोपाल कृष्णन IFS 2005 ये प्रेजेंट एम्बेसडर थे इन द प्रेजेंट काउंसलर थे इन द एम्बेसी ऑफ इंडिया वॉशिंगटन। इसे नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया टू द रिपब्लिक ऑफ मालावी।
सो एस गोपाला कृष्णन हैज बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालावी। मालावी की जो कैपिटल है लिलोंगवे है, करेंसी है मालावी एंड कवाचा, प्रेजिडेंट है लाजारुस चकवेरा। फेब्रवरी 4 को गूगल क्लाउड ने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ विक्रम सिंह बेदी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इट्स इंडिया बिजनेस। इन्होंने करण बाजवा को सक्सीड किया है जो एलिवेट हुए हैं एज द वाइस प्रेजिडेंट फॉर एशिया पैसिफिक रीजन रिसेंटली। गूगल क्लाउड जो है ये लाइकली टू लॉन्च है इट्स सेकेंड क्लाउड रीजन इन इंडिया इन 2021 इन न्यू दिल्ली, राइट। विक्रम सिंह बेदी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, हेडक्वार्टर गूगल के हैं कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सेकेंड क्लाउड रीजन बनेगा न्यू दिल्ली में, पहला मुंबई में। माउंटेन एग्रीमेंट्स पर चलें, फरवरी 6 को फाइल एड्रेसिंग द वैलिडिटी फंक्शन ऑफ एयरो इंडिया 2021 इन बेंगलुरु, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया कि इंडिया हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट अराउंड $130 बिलियन फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ओवर द नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स। तो इंडिया ने $130 बिलियन जो है इन्वेस्ट करने की बोली है इन द मिलिट्री। सो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन कर आते हैं लखनऊ यूपी से। फरवरी 5 को यूनियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किए 16,000 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर द फिस्कल ईयर 2021-22। ये बूस्ट करेंगे सेफ्टी ऑफ द फार्मर क्रॉप्स एंड इंश्योर करेंगे मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस रीचेस टू फार्मर्स। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। रैंक रिपोर्ट्स एंड सर्विस की बात करें, अकॉर्डिंग टू द डाटा कंपाइल्ड बाय द टी बोर्ड, इंडियन टी प्रोडक्शन इन 2020 फेल 9.7% ड्यू टू हैवी फ्लडिंग एंड कोरोना वायरस मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस। 2020 में इंडिया प्रोड्यूस 1,255.16 मिलियन kg ऑफ टी। लोअर आउटपुट लिफ्टेड एवरेज टी प्राइसेस इन 2020 बाय 31% फ्रॉम अ ईयर अगो टू रिकॉर्ड ₹184.69/kg। सो ये आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ टी बोर्ड इन इंडिया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, चेयरमैन है प्रभात कुमार बेजू बोरुआ। फेब्रवरी 4 को नंबर ऑफ न्यू कैंसर केसेज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंक्रीज करने को 257,131 बाय 2025। ये एक रिपोर्ट आई है टाइटल प्रोफाइल ऑफ कैंसर एंड रिलेटेड हेल्थ इंडिकेटर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, रिलीज किया है ICMR ने और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च NCDIR ने। हाईएस्ट इंसिडेंट रेट है मेल्स में जो ऐजवाल में रिकॉर्ड किया गया है और फीमेल्स में रिकॉर्ड किया गया है पप्पू मारे डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो आप ये देख सकते हैं। हेडक्वार्टर ICMR के न्यू दिल्ली में है, NCDIR के बेंगलुरु कर्नाटका में है, डायरेक्टर NCDIR के प्रशांत माथुर हैं, ICMR के हैं बलराम भार्गवा। एस्टेब्लिश हुई है 1911 में। टोटल केसेस 57,131 है। मेल्स का ऐजवाल मिजोरम में आया है और पप्पुम पारे डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, फीमेल्स का हाई आया है। नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स पे ये फोकस कर रही थी कैंसर के। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग CEO अमिताभ कांत, 2.3 बिलियन ट्रांजैक्शन वर्थ ₹4.2 ट्रिलियन वर रिकॉर्डेड थ्रू UPI इन द मंथ ऑफ जनवरी दिस ईयर। ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस UPI की ट्रांजैक्शन वैल्यू जंप कर गई 76.5%, वाइल ट्रांजैक्शन वैल्यू जंप कर गई नीली 100%। यानी कि लेटेस्ट से अगर ₹100 की ट्रांजैक्शन हो रही थी तो अब ₹200 की ट्रांजैक्शन हो रही है, और अगर मान लेते हैं 10 ट्रांजैक्शन हो रही थी तो अब 17.65 ट्रांजेक्शन हो रही हैं। इससे चल सकते हैं। एवरेज ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल्स वॉज 17.3% एट द सेकेंडरी एजुकेशन लेवल एंड 4.74% एट द एलिमेंट्री लेवल इन 2018-19। ये कहा गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कहा है कि 111 कंप्लेंट आई हैं चाइल्ड मैरिज की ड्यूरिंग द ईयर 2020। तो ये आप देख सकते हैं। स्मृति जुबिन ईरानी जो है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी यूपी से। इन्होंने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी तो अब इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती है। फेब्रवरी 6 को बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है रिलीज किया गया है बाय दिल्ली बेस्ड नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। 115वें राउंड ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे कैरी आउट हुआ है दिसंबर 2020 में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ बोथ होप एंड डिस्पेयर। क्वार्टरली बेसिस पे BES कैरी आउट होता है। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो रियली राइज हुआ है बाय 29.6% बिटवीन Q2 एंड Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। हेडक्वार्टर NCAER न्यू दिल्ली में है, DG हैं शेखर शाह। MOU कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स, फेब्रवरी 4 को इसराइल बेस्ड स्पीयर UAV हैज साइन एन MOU विद बेंगलुरु बेस्ड पारस एरोस्पेस सॉल्यूशन टू इंट्रोड्यूस द यूनिक Ninox 40। ये माइक्रो टेक्टिकल UAV सिस्टम है टू द इंडियन मार्केट। ये यूज किया जाएगा बाय मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री, इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा। ये आप देख सकते हैं।
हेडक्वार्टर स्पीयर यूएवी के हैं तेल एवीव इसराइल में, हेडक्वार्टर पारस एरोस्पेस सॉल्यूशंस के हैं बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये एमओयू साइन किया इन्होंने निनॉक्स 40 सिस्टम इन इंडिया डेवलप करने के लिए फॉर द इंडियन मार्केट। फरवरी 5 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेहेल ने एंटर हुए ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट में विद जॉइंट स्टॉक कंपनी रॉसबोरोक एक्सपोर्ट रशिया टू सेटअप इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग वाइड रीजन ऑफ एविएशन होसेस एट द बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस पुणे। तो बेल प्लस रॉसबोरोन एक्सपोर्ट रशिया ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी एविएशन होसेस। ये आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर बीईएल के बेंगलुरु कर्नाटका में है। सीएमडी इसके हैं वेंकटेश्वरा गौतमा मानवा। फरवरी 4 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड ने साइन किया है एमओयू फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट रॉ मटेरियल ड्यूरिंग एरो इंडिया 2021 इन बेंगलुरु ऑन फरवरी 4 2021। तो एचएल मिधानी ये एमओयू साइन करेंगे फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट रॉ मटेरियल। सीईओ अमिताभ भट्ट हैं एचएल के, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। मिधानी के हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। चेयरमैन और एमडी हैं संजय कुमार झा। टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी और स्किल गैप अमंग गोवन यूथ गोवा ने इंक किया एग्रीमेंट विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू ऑपरेट ऑन मॉडल करियर सेंटर ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं गोवा और C2 का ये एग्रीमेंट हुआ है CII का ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस। गोवा के कैपिटल पानाजी है, CM प्रमोद सावंत है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। हेडक्वार्टर सी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। प्रेजिडेंट उदय कोटक है, डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी हैं। फरवरी 5 को हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने एग्री किया है कि वो एक्सपर्टीज शेयर करेंगे इन द फील्ड ऑफ स्किल ट्रेनिंग टूरिज्म डेयरी सेक्टर के अंदर। इसके अलावा ने उन्होंने एग्री किया है कि पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे फॉर साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर टीचर स्टूडेंट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स ताकि फर्दर स्ट्रेंथन हो सके बायलैटरल टाइज बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड इंडिया पर्टिकुलरली विद हरियाणा। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा के कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, करेंसी स्विस फ्रैंक है, प्रेसिडेंट गु पार्मेलिन है। फरवरी 8 को ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल ने साइन किया है एमओयू विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द डेवलपिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया बेल विल एड्रेस द रिक्वायरमेंट एज अ प्राइम कॉन्ट्रैक्टर एंड ट्रिटॉन विल प्रोवाइड सपोर्ट एज टेक्नोलॉजी पार्टनर एज पर मेक इन इंडिया रिक्वायरमेंट। तो ट्रिटॉन एनर्जी व्हीकल प्लस बेल ने एमओयू साइन किया फॉर डेवलपिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हेडक्वार्टर बेल के बेंगलुरु कर्नाटका में है, सीएमडी वेंकटेश्वरा गौतमा मानवा है। फरवरी 4 को एविया टेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये कंपनी है क्राउन ग्रुप की, ये एंटर हुई है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन मिग फॉर प्रोवाइडिंग पोस्ट वारंटी सपोर्ट टू इंडियन नेवी मिग 29 के यूबी फाइटर जेट्स। इंडियन नेवी के पास करेंटली 40 मिग 29 के सिंगल सीट हैं और मिग 29 के यूबी डबल सीट एयरक्राफ्ट हैं इन इट्स फ्लीट। तो 40 दोनों राइट, मतलब टोटल 40 एवी टेक एंटरप्राइजेस और आर ए एक मिग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू प्रोवाइड पोस्ट वारंटी सपोर्ट। हेडक्वार्टर AEPL के हैं क्वेल्सम गोवा के अंदर, सीईओ हैं श्रीनिवास कानूगो, हेडक्वार्टर आर ए के मिग में के हैं मॉस्को रशिया में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कोलैबोरेट किया है विप्रो 3D के साथ कि मेटल 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट नोजल गाइड वेन ऑल्सो कॉल्ड द इनर रिंग 3D जो है ये दे पाएंगे राइट। ये हाई टेम्परेचर रेजिलियंट स्टील A286 से बनता है। नोजल गाइड वेन ने रिसीव किया एयरवर्थिनेस सर्टिफिकेशन बाय सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थिनेस एंड सर्टिफिकेशन सेमिलैक द्वारा। विप्रो 3D जो है वो मेटल एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विन का। सो 3D प्रिंटिंग में ये होता है कि पूरा स्ट्रक्चर ही बाहर जिसे कह सकते हैं प्रिंट होके आता है यानी कि बन के आ जाता है। हेडक्वार्टर HAL के बेंगलुरु कर्नाटका में है, विप्रो के भी बेंगलुरु कर्नाटका में है। CEO है अमिताभ भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड विप्रो के हैं अजय पारिक। तो 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट ये बनाएंगे नोजल गाइडेड वेन ऑल्सो कॉल्ड द इनर रिंग। फरवरी 8 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने साइन किया MOU विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फॉर द क्रिएशन ऑफ जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम सेंटर फॉर एक्सीलेंस JATPCOE इन द प्रेमाइसिस ऑफ IISc बेंगलुरु। तो DRDO और IISc बेंगलुरु ने MOU साइन किया है। हेडक्वार्टर DRDO के न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं, एस्टैब्लिश हुआ है ये इन 1958। फरवरी 9 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल वर्थ ₹1000 करोड़। SDR टैग जो है डिजाइन और डेवलप किया गया है बाय डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी DRDO द्वारा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री और BEL का ये कॉन्ट्रैक्ट है।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं राजनाथ सिंह, कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ यूपी, हेडक्वार्टर ऑफ BEL आते हैं बेंगलुरु कर्नाटका में, CEMD हैं वेंकटेश्वरा गौतमा मानवा। फरवरी 8 को सीमेंस लिमिटेड ने साइन किए हैं 2 सेपरेट MOUs विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये एस्टैब्लिश करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लैब। MOUs फोकस करेंगे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंडस्ट्री 4.0 एनेबल्ड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज। तो सीमेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, आपको याद होगा रियल मैड्रिड इनकी शर्ट पहन के खेलती थी जहां तक मुझे याद है। तो 2 सेपरेट MOUs इन्होंने किए हैं ISC और प्लस CMTI के साथ टू एस्टैब्लिश डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लैब। सीमेंस के हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है, जर्मनी यूरोपियन यूनियन का पावर हाउस है, CEO रॉलेंड बुश और जो क्रेजर है। हेडक्वार्टर CMTI के बेंगलुरु कर्नाटका में है, डायरेक्टर डॉक्टर नागा उन्नू मैया है। फरवरी 5 को वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने रिलीज की है बुक टाइटल पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, जो ऑथर की है KN भंडारी ने। बुक फोकस करती है ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLAD इन राजस्थान फ्रॉम 2006 to 2018। तो ये पार्लियामेंट्री मैसेजर इन राजस्थान है, ये ऑथर है KN भंडारी, बुक रिलीज की है एम वेंकैया नायडू ने। हंटर बिडेन की मेमोरियल ब्यूटीफुल थिंग्स ये आउट हो जाएगी April 6, 2021 को अकॉर्डिंग टू गैलरी बुक्स। हंटर बिडेन के सन है फन है वो प्रेजिडेंट जो बाइडन के और लॉयर हैं और फॉर्मर लॉबिस्ट हैं, जिसका हेल्प से फर्स्ट इम्पीचमेंट ऑफ ट्रंप जो है वो पॉसिबल हो पाई थी। फर्स्ट इम्पीचमेंट यानी कि लोअर हाउस में, रिपब्लिकन सेनेट को कंट्रोल करते हैं तो सेनेट में इम्पीचमेंट नहीं हो पाई थी। ब्यूटीफुल थिंग्स ऑथर्ड है बाय एंड ये हंटर बिडेन की। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज होते हैं या इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन होते हैं, एक्चुअली ये जो बुक्स लिखते हैं मोस्टली वो घोस्ट बुक्स होती हैं। जैसे ओबामा जी की तीसरी बुक आ गई है, तो इट्स नॉट दैट दे आर राइटर्स, दे मेक अदर पीपल राइट द बुक एंड देन दे गिव देयर नेम टू इट, यू गेट माई पॉइंट। सो दे गिव लाइक बेसिक आइडियाज बट देन द ऑथर यूजेज हिज ओन इमेजिनेशन फिल्स इट एंड देन दे गिव देयर नेम, ओके दिस इज क्लोज टू द रियलिटी, इट्स नॉट दैट दे आर राइटिंग इट। फरवरी 6 को एंटरप्रेन्योर ऑथर संगीत पॉल चौधरी ने टॉक किया है अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मॉडल्स इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। इनकी न्यू बुक है टाइटल प्लेटफॉर्म स्केल फॉर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। बुक एक्सप्लेन करती है इनर वर्किंग ऑफ प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल और एबिलिटी टू स्केल रैपिडली। तो प्लेटफॉर्म स्केल जो है ये पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड बुक है, ऑथर किया गया है इसे संगीत पॉल चौधरी द्वारा। फरवरी 3 को अमेरिकन स्पोर्ट चैंपियन मैरियन एंथनी थ्रेबर्ट पास्ड अवे, ये 90 साल के थे। ये इंडक्ट हुए थे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में 1970 में, 5 बार के विजेता थे ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियन और फॉर्मर नंबर 1 प्लेयर थे। तो USA से ये थे, 5 टाइम ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियन थे और हॉल ऑफ फेम में एंटर हुए 1970। तो जो मुझे याद है वो हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और एक और ओपन है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड मे बी देयर इज वन ओपन और US ओपन। अगर कोई भी एथलीट टेनिस का इन चारों के अलावा ओलंपिक्स भी उसी में जीतता है तो उसको बोलते हैं गोल्डन स्लैम, ठीक है, उसे बोलते हैं गोल्डन स्लैम विनर, क्योंकि उसने गोल्ड भी इसमें ऐड किया। फरवरी 5 को रिनोन कैनेडियन एक्टर क्रिस्टोफर फ्लमर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। ये ओल्डेस्ट एक्टर थे टू विन एन ऑस्कर फॉर हिज सपोर्टिंग रोल इन बिगिनर्स। ये 2 एमी अवार्ड्स जीते हैं इन्होंने। ये स्टार थे ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक के। तो क्रिस्टोफर फ्लमर कैनेडा से थे, एक्टर हैं, पास्ड अवे, ओल्डेस्ट एक्टर थे फॉर हिज सपोर्टिंग रोल इन बिगिनर्स। फरवरी 7 को टेनिस लेजेंड अख्तर अली पास्ड अवे। ये फादर फिगर थे इंडियन टेनिस के, ये 81 ईयर्स ओल्ड थे। ही बिकेम द नेशनल जूनियर चैंपियन इन 1955। इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन 8 डेविस कप। इन्होंने ऑल्सो कोच किया नेशनल टीम ऑफ मलेशिया को और बेल्जियम को, तो टेनिस प्लेयर एंड कोच। फरवरी 6 को फॉर्मर न्यूजीलैंड ऑलराउंडर ब्रूस टेलर, ये ओनली पर्सन थे टू स्कोर अ सेंचुरी एंड 5 विकेट हॉल, ये पास अवे हो गए एट द एज ऑफ 77। इन्होंने ये अचीव किया था फीट अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट इंडिया इन कोलकाता इन 1965। टेलर जी ने 30 टेस्ट खेले हैं फॉर न्यूजीलैंड के लिए। तो ये आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड वेलिंगटन इसकी कैपिटल है, डॉलर इसकी करेंसी है, PM जेसिंडा आर्डर। फरवरी 6 को फॉर्मर वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर एजरा मोजली हैज पास्ड अवे, ये 63 ईयर्स के थे। इन्होंने 2 टेस्ट और 1 वनडे इंटरनेशनल खेला है। बाबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन, करेंसी है बाबाडोस डॉलर। फरवरी 5 को फॉर्मर हैवी वेट चैंपियन लियोन स्पिंग्स पास्ड अवे, ये 67 ईयर्स के थे। ओलंपिक गोल्ड जीता इन्होंने और फिर उन्होंने शॉक किया था बॉक्सिंग वर्ल्ड को बाय बीटिंग मोहम्मद अली टू विन द हैवी टाइटल इन हिज ओनली इन हिज 8th प्रो फाइट। तो लियोन स्पिंग्स बॉक्सर पास्ड अवे।
देख सकते हैं। पर्सन इन न्यूज़ पे जाते हैं। फेबररी 3 को आयशा अजीज़ 25 ईयर ओल्ड फ्रॉम कश्मीर है, ये बिकम हुई हैं यंगेस्ट फीमेल पायलट इन इंडिया। इन द ईयर 2011 अजीज़ बिकेम द यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट टू गेट अ लाइसेंस एट द एज ऑफ 15। शी लेटर ग्रेजुएटेड इन एविएशन फ्रॉम द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब एंड ऑब्टेन्ड अ कमर्शियल लाइसेंस इन द ईयर 2017। तो ये आप देख सकते हैं, शी बिकेम द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन इंडिया एट द एज ऑफ 25। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। फेबररी 5 को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक्सपर्ट पैनल टू रिव्यू इंडस्ट्रीज ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज्ड बैन ऑन 27 वाइडली यूज पेस्टिसाइड। कमेटी को लीड किया था टीपी राजचंद्रन ने। कमेटी एग्जामिन करेगी उन 27 पेस्टिसाइड्स को जो गवर्नमेंट वांट करना चाहती है बैन करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, हेडक्वार्टर ICAR के न्यू दिल्ली में है, DG इसके डॉक्टर त्रिलोचन महोपात्रा है, प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह तोमर है। फेबररी 4 को स्टूडेंट्स ऑफ KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी KLETU ने डिवेलप किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ह्यूमनॉइड रॉबोट नेम माया। ये स्पेसिफिकली एम करता है टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड फॉर बैंकिंग कस्टमर। इट वॉज डिवेलप्ड अंडर अ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख। तो KLETU स्टूडेंट्स ने डिवेलप किया माया ह्यूमनॉइड रॉबोट फॉर बैंकिंग कस्टमर्स। लोकेशन KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के हुबली कर्नाटका में। इन इट्स फर्स्ट मिशन इन 2021 इसरो ने प्लान किया है टू लॉन्च अ ब्राजीलियन सैटेलाइट अमेजोनिया 1 और 3 इंडियन पेलोड ऑन फेब्रवरी 28। आनंद, सतीश धवन सैटेलाइट और यूनिटी सैट विल बी द को पैसेंजर्स। तो सैटेलाइट्स ये स्लेट होंगी लॉन्च ऑन बोर्ड ऑन द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखें, ब्राजीलियन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे अमेजोनिया 1 और 3 इंडियन पेलोड यूजिंग PSLV C-51। राइट, हेडक्वार्टर इसरो के बेंगलुरु कर्नाटका में है, डायरेक्टर कैलाश सावेदु सिवन है, के सिवन बोलते हैं इन्हें, फॉर्म हुई है 1969 में। ब्राजील, कैपिटल ब्राजीलिया, ब्राजीलियन रियाल इसकी करेंसी है, प्रेसिडेंट जेयर बोलोसन सारो है। देख सकते हैं आप, 3 इंडियन पिलोट कौन कौन से हैं, आनंद, सतीश धवन सैटेलाइट और यूनिटी सैट। अमेजोनिया 1 ब्राजील की है। प्रिलिमिनरी सर्वेस ऑन सर्फेस एंड लिमिटेड सब सर्विस बाय एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD ने शो की है प्रेजेंस ऑफ लिथियम रिसोर्सेज ऑफ 1600 टन इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। लिथियम की एलिमेंट है न्यू टेक्नोलॉजीज का और फाइंड करता है यूज इन कैरामिक्स, ग्लास, टेलीकम्युनिकेशन एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए। तो AMD फाउंड हुआ 1600 टन प्रेजेंस है लिथियम की इन मांड्या कर्नाटका में। हेडक्वार्टर AMD के हैदराबाद तेलंगाना में है, डायरेक्टर DK सिन्हा है। कर्नाटका की कैपिटल बैंगलोर है, CMBS येदुरप्पा है, गवर्नर वाजुभाई वाला है। फेब्रवरी 4 को टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम 5 इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया ने डिस्कवर किया है न्यू गेको स्पीशीज अरुणाचल प्रदेश। डिस्कवरी पब्लिश हुई है इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स में। रिसर्चर्स ने इसको नेम किया स्पीसीज को क्राइटोडेक्टलस अरुणाचलिनिसिस आफ्टर द स्टेट इन विच इट वॉज डिस्कवर्ड। क्राइकोडेक्टलिस अरुणाचलिसिस न्यू स्पीसीज गेको की और डिस्कवर हुई है अरुणाचल प्रदेश में। फेब्रवरी 5 को नासा ने सिलेक्ट किया है एलॉन मस्क फाउंडेड स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज टू लॉन्च इट्स स्फेयर एक्स मिशन। मिशन टारगेट कर रहा है टू लॉन्च एज अर्ली एज इन June 2024 ऑन अ स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E एट वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया। कॉस्ट फॉर स्पेस एजेंसी टू लॉन्च SpaceX इज एस्टिमेटेड अराउंड $98.8 million। तो नासा जो है ये SpaceX लॉन्च करेगा SpaceX मिशन। SpaceX का पूरा नाम है स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एपोक ऑफ रीओनाइजेशन एंड ISIS एक्सप्लोरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करें, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एपोक रीओनाइजेशन एंड ISIS एक्सप्लोरर। हेडक्वार्टर नासा के वाशिंगटन DC USA में है। एडमिनिस्टर जो है इसके जिम ब्राइडनस्टाइन है। फाउंड हुई है ये 1958 में। हेडक्वार्टर SpaceX के हैं कैलिफोर्निया US में। CEO है एलॉन मस्क। फाउंड हुई है 2002 में। फेब्रवरी 9 को स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने पार्टनर किया है विद इट्स पीयर स्काईरूट एरोस्पेस टू फेरी स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू मल्टीपल ऑर्बिट्स। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस क्रिएट करेगी व्हीकल दैट विल वर्क एज अ टैक्सी इन स्पेस एंड विल बी लॉन्च्ड ऑन द विक्रम रॉकेट ऑफ स्काईरूट एरोस्पेस। बेलाट्रिक्स स्पेस व्हीकल एक्सपेक्टेड टू लॉन्च है लोअर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन 2023 में। राइट, तो आप ये देख सकते हैं बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जो है क्रिएट कर रहा है व्हीकल दैट विल वर्क एज टैक्सी इन स्पेस फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर, हेडक्वार्टर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस का बेंगलुरु कर्नाटका में है, CEO है गणपति। हेडक्वार्टर स्काईरूट एरोस्पेस का हैदराबाद तेलंगाना में, CEO है पवन कुमार चंदाना। फेब्रवरी 6 को ब्रुकेजिया नाना, ये न्यू डिस्कवर्ड स्पीसीज है चैमिलियन की इन मेडागास्कर, ये कंटेंडर है फॉर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल।
ये 13.5 मिलीमीटर लॉन्ग है और ये रिसर्च जो है रिसेंटली पब्लिश हुई है जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में। तो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट रेप्टाइल है, लेंथ ऑफ रेप्टाइल 13.5 मिलीमीटर है। मेडागास्कर एंटानारिवो मलग इसकी कैपिटल है, एंटाना रिवो मलगजे अरियारी ये इसकी करेंसी है। फरवरी 5 को इलॉन मस्क की स्पेस सेक्स ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन टू स्पेस, नेमली इंस्पिरेशन 4 ऑन फॉल्कन 9 लॉन्च व्हीकल। ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियल एस्ट्रोनॉट मिशन है, ये लॉन्च होगा लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A एट नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। पहला सिविलियन स्पेस मिशन, लॉन्च व्हीकल यूज्ड है फाल्कन 9 रॉकेट। हेडक्वार्टर स्पेस एक्स के हैं कैलिफोर्निया यूएस में, सीईओ है एलॉन मस्क। ऑर्डिनेंस बिल्स एंड एक्ट्स की बात करते हैं। फरवरी 4 को अमेंडमेंट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बिजनेस रूल्स 1961 में, जिसने कि नोटिफाई किया है रोपवे एंड ऑल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस को अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। पहले ये एरिया किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता था, तो अब ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आता है और इसे डेवलप भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज करेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसके अंदर, इसके अंदर एक एग्जाम्पल ये, जैसे जाखू में हम अगर हम आप कभी शिमला आएंगे तो जाखू में, जाखू टेम्पल में दिस जाखू टेम्पल हेयर एंड हनुमान जी सेकेंड लॉन्गेस्ट और थर्ड लॉन्गेस्ट मूर्ति इज देयर एंड हेयर इज द मॉल। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट मस्ट बी अराउंड 400 to 500 meters, सो दैट्स अ लॉन्ग लेग, दैट्स अ स्टीप चढ़ाई। सो अब ये जो रोपवे है पहले किसी के अंडर भी नहीं आता था, तो इसे बनने में बहुत टाइम लगा है, बट अब क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है, तो इसकी डेवलपमेंट बहुत फास्टली हो पाएगी। फरवरी 5 को सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 हैज़ बिन अमेंडेड। न्यू नॉर्म्स आए हैं सेबी म्यूचुअल फंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021, ये 30th डे पे आए हैं, नोटिफिकेशन इशू हुआ है रेगुलेटर सेबी द्वारा। नाउ फंड हाउस नीड्स टू सेंड डिविडेंड पेमेंट्स टू यूनिट होल्डर्स विद इन 15 दिन फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट, अर्लियर रिक्वायरमेंट था 30 दिन का। तो सेबी रेगुलेशन 1996 अमेंड हो गए हैं विद सेमी म्यूचुअल फंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021। डिविडेंड पेमेंट्स अब यूनिट होल्डर्स को 15 दिन के अंदर मिलेंगे, तो ये एक बहुत ही वेलकम चेंज है, बिकॉज 30 दिन के अंदर क्यों मिले, अब सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो इफ़ यू हैव टू गिव डिविडेंड्स लेट गिव इट इन 15 डेज टाइम, विच इज़ मोर देन इनफ टू रीच एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर सेबी के मुंबई महाराष्ट्र में है, चेयरमैन अजय त्यागी हैं इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट किडर्स दिस वीडियो, आई विल बी बैक विथ 2 more videos for today and then we will cover 4 more mock drills tomorrow. Thank you very much.